नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वोकैब सेक्शन में। मीडियम और फ्रेजेस की सीरीज चल रही थी, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इडियम्स और फ्रेजेस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और एक वे लेंगे, एक आइडिया लेंगे कि अगर हमारे सामने इडियम आता है तो उसको एक तरीके से याद करना। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, पर इस तरीके से याद करने से क्या होता है, उसको आप अपनी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रख सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म सेविंग चाहते हैं या शॉर्ट टर्म सेविंग चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप हर एक बंदे का नजरिया अलग है, करने का तरीका अलग है। ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, सबको ध्यान में रखते हुए कराए जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक वीडियो के साथ ही, कुछ और नए इडियम्स को हम क्या है हमेशा के लिए याद करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे क्लास खत्म की थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला इडियम है हैव ए काओ। हैव ए काओ का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास काओ है तो अच्छी बात है, आपको दूध मिलेगा, पौष्टिक दूध मिलेगा जिसकी सबको जरूरत भी होती है, न्यूट्रिशन होता है, अच्छा होता है सबके लिए, दिमाग तेज होता है। जिसको दिमाग तेज करना है गाय का दूध पिया करो, ठीक है। तो हैव ए काओ, अब सिर्फ इतना दूध पीने की बात नहीं है, पर काओ को रखना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको टाइम से खाना देना, उनके साफ सफाई का ध्यान रखना, उनकी गंदगी जो उन्होंने की उनको साफ करना, एक अच्छा एनवायरनमेंट में रखना, सर्दी गर्मी में उनकी रक्षा करना, हर तरीके से क्या है, एक जानवर को अगर आप एक एनिमल को पाल रही हैं तो उसके साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको क्या है अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो हैव ए काओ का मतलब क्या है, आपने अपने साथ क्या है, अब इन चीजों को सब के बस की बात नहीं होती है, इतनी चीजों का ध्यान रखें, इतनी चीजें तो लोग अपना भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इन द सेंस हैव ए काओ का अगर इडियम लिया गया है तो उसका मतलब होता है टू बी वेरी वरिड, परेशान हो जाना, अपसेट हो जाना, अपने साथ क्या है परेशानी को ले आना। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आपको उसका हर एक काम करना होगा, हर एक काम अच्छे से करोगे तब आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, अदरवाइज क्या है अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यही चीज है आपके साथ, अच्छी तैयारी करेंगे तब जाके आपका अच्छा सिलेक्शन होगा। तो हैव ए काओ का मतलब क्या होता है, टू बी वरिड, परेशान हो जाना, अपसेट हो जाना, ठीक है। ए कोल्ड स्नैप, ए कोल्ड स्नैप, शॉर्ट पीरियड के लिए जो एक कोल्ड वेदर हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, ए कोल्ड, ठंडा सा स्नैप, छोटा सा ए कोल्ड स्नैप, मतलब पिक्चर बन स्नैप लेते हैं ना, स्नैप ले रहे हैं तो पिक्चर ले रहे हैं फॉर ए मोमेंट, तो कहते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए क्या रहा है आपका एक्सट्रीम। एक तो हमने पढ़ा था ब्रास मंकी वेदर, उसका मतलब क्या था, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। एक कोल्ड स्नैप भी आपका क्या है, सडन एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ कोल्ड, कोल्ड वेदर तो है पर सडन अचानक आया है और अचानक से छोटे पीरियड के लिए आया। कहते हैं कि जैसे अभी गर्मी शुरू हुई थी, गर्मी शुरू हो रही थी, फिर बारिश हो गई, फिर से एकदम से ठंड हो गई, जब हमारा क्या है मौसम एक्सचेंज हो रहा है तो गर्मी होते होते फिर एकदम से ठंड हो गई, फिर अब अच्छी खासी गर्मी हो चुकी है। पर एक कोल्ड स्नैप का मतलब क्या होगा आपका, शॉर्ट एंड सडन कोल्ड वेदर, जो थोड़े टाइम के लिए आई है, अचानक आई है, शॉर्ट पीरियड के लिए आई है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक कोल्ड स्नैप। ब्रास मंकी वेदर का हम क्या लेते हैं, ब्रास मंकी वेदर आपका जो हमने लास्ट क्लास में किया भी था उसका मतलब था हमारा एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, और कोल्ड स्नैप आपका क्या है, शॉर्ट और सडन कोल्ड वेदर, ठीक है। बी ए क्लोज्ड बुक, बी ए क्लोज्ड बुक नाम से पता है, कोई बुक अगर क्लोज है तो उसके बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ भी। किसी भी बुक के बारे में जानना है उसको आप ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी जरूर बन जाएगी कि आप उसके बारे में जान पाए। अगर बुक क्लोज ही रखोगे तो वो बुक हमेशा के लिए क्लोज ही रह जाएगी। तो बी ए क्लोज बुक का मतलब क्या, किसी के लिए क्लोज बुक होना मतलब टू बी समथिंग, टू बी समथिंग that you know or understand nothing about, मतलब जिसके बारे में आप कुछ भी जानते नहीं है या उसके बारे में आप कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं कहूं कि बहुत सारे बच्चों के लिए क्या है, फिजिक्स एक क्लोज बुक है, फिजिक्स को क्या है वो देख के इतना डर जाते हैं कि वो उसको क्लोज बुक ही रख लेते हैं कि ना तो उनको उसमें कुछ समझ आता है ना वो कुछ समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी ए क्लोज बुक। नेक्स्ट है आपका क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर,
क्लॉक रूम होता है रेलवे स्टेशन पे, वहां पे क्या रखते हैं लोग, अपना पर्सनल सामान रखते हैं, ठीक है। और डैगर क्या होता है, डैगर आपका क्या, हमेशा छुपा के रखा जाता है, कभी कोई खुलेआम बहुत डैगर को लेके नहीं घूमते, छुपाने की चीजें हैं जिसको हम अपने पर्सनल सामान को सेफ रखना चाहते हैं, छुपा कर रखना चाहते हैं। तो क्लॉक एंड डैगर भी आपका क्या हो जाता है कि कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट है, जो क्या है आपकी, सीक्रेटिव है, जिसको आप क्या रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, वो आपके किस में आ जाता है, क्लोज में। तो मतलब क्या हो सकता है, बिहेव इन ए सीक्रेट वे, बिहेव इन ए सीक्रेट वे, मतलब गुप्त है जो चीज, जिसको क्या है हम बहुत छुपा कर कर रहे हैं, छुपा कर रख रहे हैं, वो क्या है, क्लॉक एंड डैगर, ठीक है। सीक्रेट आपका आपका खुद का है। बी ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन नौवें आसमान में पहुंच जाना, मतलब नौवें आसमान में कब पहुंचते हैं, जब हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑन क्लाउड नाइन का आपका क्या हो जाएगा, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी हैप्पी। और कम वट में जो होगा देखा जाएगा, कम वट में का क्या होगा, वट एवर हैपन, कम वट में का मतलब क्या होता है, वट एवर हैपन, जो भी हो, वट एवर हैपन नाम से पता है, कम वट वे, जो भी वट में, जो भी भविष्य में आने वाला है, वट एवर देख लेंगे उसको, वट एवर हैपन मंजूर है। बियॉन्ड क्लाउड नाइन टू बी हैप्पी, क्लॉक एंड डैगर सीक्रेट, कुछ सीक्रेटिव बात हो रही है, बी ए क्लोज बुक जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है, क्लोज स्नैप मतलब क्लोज, एक कोल्ड स्नैप मतलब छोटा सा सडन सी एकदम से ठंडाई, और हैव इन काउ का मतलब क्या है, ट्रबल में आ जाना, वरिड हो जाना, अपसेट हो जाना। तो ये आपके कुछ इडियम्स हैं, अब आपके हमने हम कुछ और नए इडियम्स ले लेते हैं, उनको समझते हैं अच्छे से। और ये है आपके कुछ अगले इडियम्स, होपफुली ये अभी आपको, अभी हम उनको अच्छे से याद करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं बी इन दी चिप्स से। बी इन दी चिप्स का मतलब क्या होता है कि अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप अमीर हो गए हैं, आपको बहुत सारा धन मिल गया है, अनएक्सपेक्टेडली आप वेल्थी हो सकते हैं। हो सकता है भाई आपका कोई अंकल है, वो अंकल के कोई वारिस नहीं है, वो उनकी डेथ हो गई है बाई चांस, और उनकी जो वारिस संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली क्या है आपको ट्रांसफर हो गई है, तो आप अनएक्सपेक्टेडली क्या है अमीर हो गए हैं। या फिर कह सकते हैं कोई लॉटरी लग गई है अनएक्सपेक्टेडली, और आप एकदम से क्या आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, उसी को कहते हैं बी इन दी चिप्स, क्या हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली, खासकर किसके लिए यूज करते हैं हम, अनएक्सपेक्टेडली गॉट लॉट्स ऑफ मनी, और कह सकते हैं एकदम से क्या हो जाना, वेल्दी हो जाना, क्या हो जाता है धनवान हो जाना, वो क्या कहलाता है आपका बी इन दी चिप्स। नेक्स्ट है आपका कैसल्स इन दी एयर, अगर कैसल्स, अगर आप अपने किले हवा में बनाएंगे तो मतलब किले कभी भी हवा में नहीं बनते, किलों को हमेशा जमीन पर ही बनाया जाता है, जमीन पे ही नींव रखी जाती है, मतलब आपका किला बहुत कमजोर है, किला क्या है बहुत कमजोर है। कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा जो आप प्लान कर रहे हैं जिसका भविष्य में होने का चांस क्या है ना के बराबर, प्लान विच हैज लिटल चांस ऑफ हैपनिंग, लिटल चांस ऑफ हैपनिंग, जिसके होने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है बी क्लियर, बी एज क्लीन एज विसल, इतना क्लीन जैसे कोई सीटी हो। अब जो सीटी बजाता है मतलब वो क्या है, खुश है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। देखो बात क्या, देखो खुशी सीटी मार रहे हैं, खुशी सीटी मार रहे हैं कि मतलब हम बहुत खुश हैं, और दुनिया को चीख चीख के बता रहे हैं कि हम खुश हैं, हम क्या हैं साफ हैं। तो बी एज क्लीन एज ए विसल मतलब इतनी साफ से विसल बजाना, मतलब इतना खुश होना, उसका मतलब क्या होता है, आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है। जब भी अगर चोर आता है तो वो सीटी बजा के नहीं आता है, पर जब भी चौकीदार आता है तो सीटी बजाता है, आपकी जो पुलिस आती है उसका सायरन बजता है, वो क्या है, क्योंकि वो क्या है किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। जो बिल्कुल डंके की चोट पे कौन आएगा, वो आएगा जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं है। जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई डर बना रहता है। तो इसका मतलब क्या है, बी एज क्लीन एज विसल का मतलब Not involved in any illegal activities.
और नेक्स्ट देखो बिल्कुल सेम सा ही है, बी एज क्लियर एज मड। मड मतलब कीचड़। अगर आप कीचड़ जितने क्लियर हुए तो मतलब भाई हम आपको समझे नहीं, मतलब टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर कीचड़ जितना साफ, कीचड़ क्या होता है, कीचड़ के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, दलदल है वो आपको क्या है अंदर की अंदर धसाता चला जाता है, पर उसका कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई कीचड़ कितना गहरा है उसके अंदर, ना तो अपनी क्लियर फोटो देख सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि एज क्लियर एज मड, मतलब उतने साफ है जितना की एक कीचड़ है। और कीचड़ कभी साफ होता है? कीचड़ हमेशा दाग लगाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एज क्लियर एज मड, मतलब मैं कहूँ कि मुझे फिजिक्स को फिजिक्स इतनी क्लियर है जैसे कि मड क्लियर है। तो मतलब टू बी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, भाई उसका कुछ समझ में नहीं आने वाला क्योंकि वो इतना क्लियर है जितना कि मड है। ठीक है, क्लियर द एयर, एयर को क्लियर कर दो, एयर को साफ कर दो, इसका मतलब जो भी बैड फीलिंग्स हैं एनवायरनमेंट में वो क्या हो गई हैं, डिसअपीयर। किन्हीं भी दो पर्संस के बीच में अगर कोई बैड फीलिंग है उनका क्या हो गया है, क्या कहेंगे, डिसअपीयर हो गई है वो, उनके बीच की जो बुरी भावनाएं हैं उनका क्या हो गया, जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो गई है, दूर हो गई है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का दूर हो जाना, बैड फीलिंग्स का दूर हो जाना ही क्या कहलाता है, क्लियर दी एयर। कोई र्यूमर है उसको क्लियर कर दिया गया है, बैड फीलिंग्स टू डिसअपीयर, बैड फीलिंग्स टू डिसअपीयर। टेक दी क्लॉथ, टेक दी क्लॉथ को कहते हैं टू बिकम प्रीस्ट, टू बिकम संत। पहले भाई जो जो हमारे जो संत होते हैं उनकी क्या प्रॉपर एक सेरेमनी होती है, जब वो क्या लेते हैं, संन्यास लेते हैं, साधु का भेष धारण करते हैं, कहते हैं ना साधु पाना ले लिया है, वो रंग प्यारा भी बहुत होता है, सूरज के समान तेजस्वी होता है। तो मतलब वो कहते हैं कि हमने वो कहते हैं वो क्लोथ ले लिए हैं, मतलब अब मैंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है, अब से मैं वही वस्त्र पहनूंगा। तो जो भी जिस धर्म के अकॉर्डिंग क्या है किसी संन्यास लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है, रिचुअल होता है, क्या कहते हैं वो, एक बाना कहते हैं जिसको, अगर हम हमारे साधु समाज की बात करें तो मतलब क्या किया है उन्होंने, वो वस्त्र धारण कर लिए हैं, संन्यास ले लिया है अपना, केसरी रंग हिंदू में कहा जाता है, केसरी रंग ले लिया है। तो टेक द क्लॉथ का मतलब क्या होता है, संत बन जाना, संन्यास ले लेना, साधु हो जाना, प्रिस्ट हो जाना। ठीक है, एक कुक एंड बोल स्टोरी, एक कुक एंड बोल स्टोरी क्या हो गया भाई, कुक एंड बोल स्टोरी मतलब क्या है, मनगढ़ंत कहानी, मतलब जिसका क्या है कोई ट्रूथ नहीं है, अपने आप से मन में जो मनगढ़ंत, मतलब अपने मन में जो आ रहा है बनाए जा रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, ए स्टोरी विच इज नॉट ट्रू, ए स्टोरी विच इज नॉट ट्रू। तो आपका कुक एंड बोल स्टोरी क्या हो गया, ए स्टोरी विच इज नॉट ट्रू, टेक द क्लॉथ हो गया है, टू बिकम प्रिस्ट, क्लियर द एयर, सारी बैड फीलिंग का डिसअपीयर हो जाना, बी एज क्लियर एज बट मतलब कुछ समझ में नहीं आना, बी एज क्लीन एज विसल मतलब कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, कैसल्स इन द एयर मतलब कोई भी उस प्लान के होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि हवाई किले नहीं बनते हैं, बी इन द चिप्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारा धन मिल जाना, वेल्दी हो जाना। तो ये आपके कुछ idioms थे, अब हम चलो चलते हैं कुछ और अच्छे idioms करेंगे, इसी वीडियो के साथ इन सब को हम याद कर लेंगे। और हम शुरू करते हैं हमारे आज के और idioms, ए डेड लेटर, ए डेड लेटर मतलब वो लेटर जो डेड हो गया है, मतलब अब लेटर का क्या डेड होना, लेटर तो नॉन लिविंग थिंग है, इसका मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून जो एग्जिस्ट तो करता है पर लोग उसे फॉलो नहीं करते या वो अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, उसी को कहते हैं ए डेड लेटर। क्योंकि लेटर तो निर्जीव, उसका भी क्या मरना होता है, मतलब ए लॉ और एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो क्या है, ए लॉ और एग्रीमेंट विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट तो करता है बट नॉट इफेक्टिव, पर उसका क्या है कोई इफेक्ट नहीं बचा है। ठीक है, तो डेड ही हो गया कोई चीज, अगर कहो कि वो चीज है पर उसका कोई भी असर नहीं है तो उसका होना या ना होना बात ना के बराबर हो गया ना, तो उसे कहते हैं ए डेड लेटर। नेक्स्ट है आपका एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, एट द ड्रॉप ऑफ ए मतलब जैसे ही हैट गिराई, मतलब कोई काम सडनली कर देना और बहुत इजीली कर देना और विदाउट एनी प्रिपरेशन कर देना, उसे कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ हैट। कहें कि अगर मुझे यूएस जाना है
तो आप ऐसे नहीं कहोगे आई कांट गो यूएस एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब ऐसा नहीं है कि हैट ग्रीसने में मैं यूएस चला गया, मतलब कोई ऐसा काम जो सडनली हो जाए, इजीली हो जाए और विदाउट प्रिपरेशन हो जाए, उसके लिए प्रॉपर वीजा का फॉर्मेट होता है, आपको लगेगा नहीं लगेगा, तो बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर काम होते हैं, वो होने के बाद ही आप क्या है कहीं जा सकते हैं। दैट इज ड्रॉप ऑफ हैट, क्या हो गया सडनली कि अचानक से अभी मैंने मन में सोचा और कर दिया, ठीक है। जैसे अभी किसी का कुछ खाने का मन है, अगर वो बना सकता है तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट वो बना सकता है, वो खाना खान बनाएगा खा लेगा, ठीक है। अगर उसे बनाना आता है तो, अगर किसी को कुकिंग नहीं आती है फिर वो उसके लिए फिर से एक बड़ी जॉब है, फिर वो क्या करेंगे स्विगी या आपके जोमेटो को कॉल करेंगे, वो भी फटाफट आपका क्या है काम हो जाएगा। तो सडनली इजिली एंड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब तीन कॉम्बिनेशन हो गए, अचानक होगा, आसानी से होगा और बिना किसी तैयारी के होगा, उसे क्या कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। नेक्स्ट है ड्रॉप ए बॉम्बशेल, किसी के अंदर क्या है सडनली ऐसी बात बता देना जो क्या है दूसरे की जिंदगी में क्या ला दे, तूफान ला दे, हैवक ला दे, मतलब कोई ऐसी चीज जिससे कोई दूसरा बहुत जल्दी अपसेट हो जाए। जैसे कि आपकी न्यूज आई कल अचानक से जो कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, बहुत डिमोटिवेटिंग था, मतलब एकदम से, क्योंकि यूथ है हमारा, यूथ के लिए वो एक आदर्श थे, आइडियल थे, और अगर वो ऐसे चले जाते हैं तो उससे क्या है यूथ बहुत प्रभावित हो जाता है। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी बनती जा रही है, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताया कीजिए, अपने आप को बहुत अंदर ही अंदर मत घुटो घुटो अपने। आजकल क्या है फोन का इतना अति यूज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बातें लोग अपने आप की बातें शेयर नहीं कर पाते, अब ऐसे ऐसे राज हैं कि भाई उनको सीक्रेट ही रह जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो न्यूज आई कल वो बहुत शॉकिंग थी, एक एज ए यूथ बहुत डिप्रेसिंग ही कह सकते, बहुत डीमोटिवेटिंग थी, ठीक है। तो पर उससे, क्योंकि एक ऐसी बंदे की, एक ऐसी शख्सियत का चला जाना जो एक अपनी पीक पे था, जिसके पास वेल्थ थी, शोहरत थी, जो एक आम बंदा चाहता है, ठीक है। तो अपने आप को समय दिया करो, किसी बात का बर्डन मत बनाया करो, जो भी आपके आदर्श हैं, जो भी आपका ऐसा लगता है कि वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी बात कर लिया करो। तो पर अपने आप को मोटिवेट रखा करो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है, ये एक एग्जाम से भी बहुत ज्यादा कीमती है, इस जिंदगी से आप बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, खुश रहने के लिए जिंदगी है, तो इस जिंदगी का जितना लाभ आपको टाइम मिला है उसका भरपूर यूज करें। और ड्रॉप ए बॉम्बशेल का मतलब पे अब आ जाते हैं हम, ड्रॉप ए बॉम्बशेल का मतलब क्या होता है, ड्रॉप ए बॉम्बशेल का मतलब क्या होता है, कोई सडनली टेल समथिंग That upsets someone, जो किसी को क्या कर दे एकदम से बहुत अपसेट कर दे, अपसेटिंग न्यूज हो बहुत ही क्या है उसको कहते हैं, किसी के ऊपर क्या कर दिया बॉम्ब गिरा दिया है, बॉम्ब उसकी जिंदगी में क्या है बॉम्ब ही गिर गया है, अगर वो एक्सट्रीमली अपसेट हो गया है, एक्सट्रीमली उस चीज से अफेक्ट हो रहा है, मतलब कोई ऐसी बात जिसको एकदम से पता चली और वो क्या है उससे क्या हो गया है गहरे शॉक में चले जाना। अगला है आपका बैंग एंड बीट द ड्रम, बैंग द ड्रम हो सकता है, बीट द ड्रम हो सकता है, मतलब आप एक्साइटेड हैं कुछ बताने के लिए, आप भी मतलब ड्रम को बीट कर देना चाहते हैं, मतलब आप एक्साइटेड हैं, ईगर हैं, जिस चीज के लिए आप सपोर्ट करते हैं उसके बारे, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए। तो टू स्पीक ईगरली, मतलब कह रहे हैं बस जल्दी से वो ड्रम को बजा देने जा रहे हैं, ईगरली टू स्पीक ईगरली फॉर वट यू सपोर्ट, जो आपकी चीजें आपके सपोर्ट में है, जो आपको आपके अकॉर्डिंग हुई है उसको आप बहुत ईगर हैं बता दें, इसके कहते हैं बीट द ड्रम बैंग द ड्रम। ड्रम मतलब, ड्रम एक साइन है उत्सव के लिए, जब हम नगाड़े बजाते हैं, नगाड़े बजाना मतलब कोई शुभ संकेत आ रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपको सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में आप क्या बोलने के लिए बहुत उत्सुक है, तत्पर है। नेक्स्ट आपका है बी आउट ऑन योर ईयर, बी आउट मतलब किसी को आउट कर देना, गेट आउट ऑन योर ईयर, मतलब आपके सामने ही आपके कानों में ही बोल दिया गेट आउट, मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है क्या करने के लिए, वो फोर्स किया जा रहा है कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आपके कान में कह दें कि तुम गेट आउट, तुम अच्छे से काम नहीं कर सकते, गेट आउट। तो ये क्या हो गया है टू बी फोर्स्ड, किसके लिए करते हैं टू बी फोर्स्ड
टू लीव जॉब, टू लीव योर जॉब फॉर द रीजन यू डोंट डू योर वर्क वेल. यू डोंट डू योर वर्क वेल मतलब आपकी कमी लगते हुए आपकी आप जॉब अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या कर रहा है, फोर्स कर दिया जा रहा है छोड़ने के लिए. आउट ऑन योर ईयर मतलब आपके मुंह पर आपके कानों में बोल दिया गया है गेट आउट. ठीक है. एंड अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड का मतलब जो जल्दी उठता है. एक पक्षी क्या होते हैं, जल्दी उठते हैं भाई. वो रोज आप देख लेना अगर हिम्मत हो कभी 4 से 5 बजे के बीच में उनकी साउंड शुरू हो जाती है, वो क्या है उठ जाते हैं. हु गेट्स अप अर्ली, उठना चाहिए जल्दी. जल्दी उठने का अलग ही मजा होता है. जब आप जल्दी उठते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में जाते हैं, उसमें कुछ प्राणायाम करते हैं, अच्छी एनर्जी लेते हैं, अपने बॉडी को ऑक्सीजनेटेड करते हैं, तो आपकी जो अंदर नेगेटिव फीलिंग होती है वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाती है. तो अर्ली बर्ड बनिए, सुबह जल्दी उठिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए. पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी फील्ड में हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, खुद का हो, या घर में भी रहते हो. क्योंकि आप घर में ही रहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपके बच्चे आ गए हैं, उनको आप पॉजिटिविटी तभी पास कर पाएंगे जब आप खुद पॉजिटिव होंगे. क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है. अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिविटी देंगे, अगर आप नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी देंगे. तो बी ए पॉजिटिव पर्सन, अर्ली बर्ड बनिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, कुछ आसन प्राणायाम कीजिए और अपने आप अपने सराउंडिंग एटलीस्ट अपने अराउंड एक सर्कल बनाइए कि उसके उस सर्कल के दायरे में कोई भी आए तो खुश हो जाए. खुशियां बांटिए ना, बांटने के लिए कुछ है ही जिंदगी में तो खुशियां बांटिए. बी ऑल इयर्स, बी ऑल इयर्स मतलब अपने सारे कान लगा के बैठ गया है कि अब क्या बातचीत होने वाली है. तो इस बी ऑल इयर्स का मतलब क्या है, वेटिंग ईगरली टू लिसन व्हाट इज अबाउट टू सेड. क्या कह सकते हैं, वेटिंग ईगरली टू लिसन व्हाट इज about to say, what is about to be said मतलब जो अभी कहा जाने वाला है उसके लिए बहुत ही eager है, तत्पर है. तो ये आपके क्या हो गए, dead letter जो अभी है पर कोई उसका effect नहीं है. drop of the head suddenly, eagerly और suddenly, easily, without any preparation. drop a bombshell मतलब कोई ऐसी बात बता देना जिसके वजह से किसी के जीवन में बहुत अपसेट हो गया है या बहुत बड़ा तूफान आ गया है. बैंग द ड्रीम और बीट द ड्रीम मतलब अपनी कोई ऐसी बात बताने के लिए ईगर है जिसको वो सपोर्ट करते हैं. बी आउट ऑन योर ईयर मतलब किसी को फोर्स करना जॉब से निकालने के लिए उनके मुंह पर कह के कि आप अच्छा काम नहीं करते हैं. एंड अर्ली बर्ड मतलब जो सुबह जल्दी उठता है और बी ऑल इयर्स का मतलब वेटिंग ईगरली टू लिसन व्हाट इज अबाउट टू बी सेड. तो ये आपके कुछ इडियम्स हुए. अगली क्लास में हम फिर से कुछ नए इडियम्स लेके आएंगे. ये जो इडियम्स हमने किए हैं इस वीडियो के साथ, जो आपकी 20 मिनट की आपकी ये जो क्लास होती है, इस 20 मिनट में हम कुछ 20-25 के अराउंड इडियम्स करते हैं, उनको आप अच्छे से याद करते जाइए. इडियम रोज देखो, आप डेली बेस पे वीडियो के 20-20 मिनट में आप 20-20 इडियम याद कर रहे हैं, तो मतलब आपके महीने में भी आपके पास एक अच्छा सेट बन जाएगा इडियम्स का. और ये आपको एक समझ भी दे रहा है, ये वीडियो से सेट क्या है कि आप अगर हमारे सामने कोई इडियम आ रहा है तो मैं उसको किस तरीके से देख सकती हूँ, नजरिया मिल जाता है. नजरिया मिलने से क्या होता है, आपको चीजें और भी आसानी से याद होनी शुरू हो जाती है. तो जैसे कि हमने ग्रामर सेक्शन में आपके लिए छोड़ा भी था कि आपके एट अ स्टोन्स थ्रो था, एट वंस विट्स एंड था, सोचिए उसके बारे में. जो भी आपके सामने इडियम आए, जो भी कोई मुहावरा आए, उनको सोचिए, उन फ्रेजेस को सोचिए, इसका मतलब क्या हो सकता है. अपना थोड़ा सा दिमाग को एक्सपेंड कीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेंगे. और जब लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के इंग्लिश के पेपर में 10 के अराउंड इडियम्स रहते हैं और 10 नंबर, हर एक नंबर कीमती है क्योंकि हर एक नंबर आपको आपके सपनों की ओर ले जाएगा. तो आप ये मत सोचिए कि ये पोर्शन नहीं करूँ, ये ना करूँ. अभी टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए. और आपका एचएसएससी का एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, जनरल इंग्लिश हर पेपर में आती है और जनरल इडियम्स हर एग्जाम में आते हैं. तो इस वीडियो के साथ आपको उम्मीद करती हूँ इडियम्स याद हो गए होंगे. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए इडियम्स के साथ और उनको उसी वीडियो के 20 मिनट के अंदर 20 इडियम्स याद करेंगे और उसके बाद
वो आपको फॉरएवर मेमोरी में याद रहने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगली क्लास में।